नमस्कार, मैं संदीप कुमार। विशेष तौर पर तस्वीर हम आपको धामनगर नाके माधव नगर की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर उपाध्यक्ष जुबैर मुनीर अंसारी के जनसंपर्क कार्यालय के साथ में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष सोहेब गुड्डू पहुंचे थे। और हर बार की तरह इस बार भी इनका स्वागत फूलों की बरसात और आतिशबाजी करके की गई। यहाँ आप देख सकते हैं उनके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, युवा अध्यक्ष आसिफ खान, उनके साथ में एडवोकेट साजिद मोमिन, रयान मोमिन, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अभिजीत सकपाल, तारिक मोमिन, साकिब मोमिन, खुर्शीद शेख उर्फ लल्लू, जमाल मोमिन, वसीम मोमिन, नियाज अंसारी, जुबैर अबरार अंसारी सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता एक मंच पर दिखाई दिए, जहां सभी का स्वागत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजक जुबैर मुनीर अंसारी ने फूलों की गुलदस्ता के साथ में करते हुए दिखाई दिए। वहीं पर आपको बता दें कि अनवर हाशमी, सरवर अंसारी, सालम गुड्डू, अनस अंसारी, इसरार अंसारी, सुफियान अंसारी, अलकैस खान सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कई लोग शामिल हुए। विशेष तौर पर सोहेब गुड्डू सभी को मफलर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मंच से विशेष तौर पर भिवंडी शहर के उन टॉप टेनों के ऊपर निशाना साधा गया, जिनके ऊपर हमेशा से ये बातें कही गई है कि शहर के विकास में बाधा डालने का कार्य जो टॉप टेन नगर सेवक हैं उनके ऊपर निशाना साधते हुए सोहेब गुड्डू ने क्या कहा, ये सुनते हैं। और मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये चोर और डाकू को खत्म करिए, कि जो टॉप टेन जो चिल्लाते हैं लोग, जिसके अंदर जावेद दलवी का, विलास पाटिल का, संतोष शेट्टी का, ऐसे बहुत से लोगों, रशिदता के भाई सराजता के, ऐसे बहुत से लोगों का नाम आता है, इन लोगों को खत्म करने का काम करिए। ये भिवंडी को अगर आजादी दिलाना है, भिवंडी में अगर विकास करना है, तो आपको ये चोर और डाकू से मुक्त करना पड़ेगा, तो ही भिवंडी मुक्त हो सकता है दोस्तों साथो। ये मेरी आप लोगों को गुजारिश है कि चोर और डाकू को खत्म करिए। हम खुद अपने राष्ट्रवादी पार्टी का नया चेहरा लाएंगे और शहर का विकास करेंगे, और वहां से भाजपा से असेंबली के हम लोग आवाज उठाने लगाएंगे हमारे साथ को, ताकि इस शहर के लिए एक बड़ा फंड, एक बड़ा पैकेज दिया जाए, ताकि हम इस शहर का काम कर सके। वादा किए तो क्या आने वाले चुनाव से पहले वो सब काम होंगे? आप अगर सच्चे दिल से बोलोगे कुछ काम नहीं हो रहा है तो मैं मानूं। मैंने आप मेरे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बातें हमारी आपसे चर्चा होती रहती है। जो भी बुनियादी काम है, चाहे कुछ टोरेंट के बिजनेस का मामला पड़ता हो, पुलिस स्टेशन का मामला पड़ता हो, महानगर पालिका का मामला पड़ता हो, तहसीलदार ऑफिस का मामला पड़ता हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या काम करते हैं? मूलभूत सुविधाओं के अभी हमने 10 लाख की निधि, मेरे भाई की खुद निधि थी, वो काम चालू किया है। 20 लाख लोगों को 10 लाख रुपए की निधि मिली है। भाई एक बात सुनिए, चार साल पूरे बीत चुके हैं, मात्र कुछ बजे बचे हुए हैं, जिसमें महानगर पालिका ने एक बार 2.5 लाख रुपया और दूसरी बार 10 लाख रुपए की निधि मंजूर कर दी। महानगर 12 लाख रुपए में क्या शहर का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो खाली राष्ट्रवादी भी क्यों लागू होता है? तो नहीं, राष्ट्रवादी भी क्यों लागू होता है? सब पे लागू होता है। या समाजवादी के भी क्या नाम आमदार है, आमदारों का भी काम है यहाँ पे शहर का देखना, आमदार ने क्या काम किया, खासदार का भी काम है। सिर्फ नगर सेवक को ठोक दिया जाता है, नगर सेवक को अगर नहीं दिया गया निधि, उनकी क्या कमी है? और भाई साहब ने जो कहा, मैंने आपसे कहा 100 MLD पानी के बारे में आपसे कहा, वो पास हो चुका है। 2 से 3 महीने का इंशाल्लाह वक्त चाहिए हम लोगों को, और अभी तो मुझे 3-4 महीना हुआ है और काम कर रहे हैं। आज GST को लेकर जो पावर लूम का जो सबसे बड़ा मसला था, जो GST अपना कपड़े के ऊपर 5% था, 12% कर दिया गया था और वापस से एज इट इज कर दिया गया, ये बहुत बड़ा मामला था। तो ये शरद पवार साहब की देन है, जो उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर और यहाँ का अजीत दादा पवार साहब जो उसके मेंबर थे, उससे बात करके उस मामले को हल करवाया। टोरेंट मीटर का आधा पैसा कब भरेगी NCP? टोरेंट मीटर का भी आधा पैसा NCP कब भरेगी वो हम हाईकमान से पूछ के बताएंगे, क्योंकि वो मुमरा के लिए भी पास हुआ है, भिवंडी के लिए भी हमने मांगनी की है। भिवंडी की भी मांगनी की गई है, भिवंडी के लिए भी उन्होंने रखा गया, लेकिन फिलहाल मुमरा का काम वो प्रोसीजर में है, उसके बाद भी भिवंडी का भी होगा। आपकी पार्टी के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे जी, वो कब दौरा करने वाले हैं? 26 तारीख को वो जा रहे हैं, 25 तारीख को गाँव जा रहे हैं। मेरी आज ही बात हुई राजेश टोपे जी से, और मैंने पूरा यहाँ के जो मामला थे IGM हॉस्पिटल का, मैंने सब पूरा जाके इससे पहले बता चुका है, वापस लेटर दे दिया है। 27 तारीख को उन्होंने हमको फ़ोन करने के लिए कहा है, और बहुत जल्द उनका दौरा और इंशाल्लाह IGM का रिजल्ट ये आपको दिखाई देगा। चुनाव के पहले हो जाएगा? पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह भाई, हम कोशिश हम करना हमारा काम है, बाकी
फल देना ऊपर वाला पैकेज मिलने वाला था विकास को लेकर, उसके बारे में। हाँ, उसके बारे में ऐसा है कि हमने पैकेज के लिए हर कुछ वार्डों में 18 नगर सेवक और कुछ वार्डों और ज्वाइन करके 30-30 लाख का इंशाल्लाह कोशिश करें कि कम से कम 12 से 15 करोड़ का पैकेज भिवंडी का शहर के अंदर आ जाए। नेक्स्ट वीक में अजीत दादा पवार से बुधवार को या गुरुवार को हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर पूरा तय हो जाएगा और मैं बता भी दूंगा कितने दिन में आ जाएगा। टोरेंट के ऊपर क्या काम करेगी एनसीपी? टोरेंट के ऊपर एनसीपी काम क्या करेगी? टोरेंट के ऊपर एनसीपी काम कर ही रही है भाई, जो करना है। आपकी महिला अध्यक्ष ने अभी कहा था थोड़ी देर पहले रैली में, सॉरी हाँ, तो उन्होंने कहा था कि मतलब जो है हम टोरेंट को भगाएंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी महिला अध्यक्ष ने कहा था ये बात, तो उनके नहीं, मैंने नहीं कहा था। आपने रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको हमेशा मीटिंग में मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं कहा है। महिला अध्यक्ष ने कहा है उनके जज्बात का, उनके जज्बात से जनता की तकलीफ देख के उनको तकलीफ होती है कि ये जो तुरंत जो बदमाशी जो दादागिरी कर रही है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। वो एक महिला के तौर से अपनी कोशिश करें कि हम महिलाओं कैसे उनको भगाया जाए, वो उनकी कोशिश है। लेकिन मैं जो जानकारी रखता हूँ, एक एग्रीमेंट उनका ऑलरेडी 2017 से लेकर 2027 तक के जो है उनका बना हुआ है, ऐसा रूल उनको कोई हटा नहीं सकता फिलहाल। भगाने मैं खाली बोल बचने वाली बात करूँ, भगाने के वाला अल्फाज सही नहीं है। हम उनकी दादा की मनमानी हम खत्म कर सकते हैं और ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर करके दिखाएंगे आपको। और ये 2017 के अंदर जब आप ये सवाल बार बार जाके उनसे पूछिए, बीजेपी वालों से पूछिए, उनके संतोष शेट्टी से पूछिए, आप उनसे कपिल पाटिल साहब से पूछिए, महेश चौकरी से पूछिए, टोरेंट का नाम आता है वो क्यों खामोश रहते हैं? सिर्फ इसके लिए राष्ट्रवादी जिम्मेदार है? इससे पहले अगर 10 साल राष्ट्रवादी जो कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोग कहना था टोरेंट पावर आई थी, तो उसको ये कहा तो वक्त भिवंडी शहर के अंदर आपके जो ट्रांसफार्मर हैं वो जल जाते थे, एक एक महीने आते नहीं थे। भिवंडी के अंदर इतनी परेशानी थी, पावर रहती नहीं थी, उसके लिए वो लोग देखते हुए पावर टोरेंट पावर को लाया था। लेकिन 2017 तक ये मालूम हो चुका था क्योंकि दादा की मनमानी और पूरा मीटर फास्ट चल रहा है, तो वापस रिन्यूअल क्यों किया? भाजपा का और शिवसेना की सरकार थी उस वक्त, तो वो वापस रिन्यूअल किया तो ये जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में जो है ये भाजपा सरकार है। अच्छा, आप लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हो, आप बड़े बड़े मंच से लोगों को ये बोलते हो कि जो यहाँ के नगर सेवक, हाल ही में आपने यहाँ भी बोला, अभी यहाँ का आपने प्रोग्राम किया कि यहाँ की बात RSS तक पहुँचाते हैं, आप ये किस बिना पे बोलते हो, किस बेस पे बोलते हो? भाई अब हर बात को प्राइवेसी बताई नहीं जाएगी ना, कुछ प्राइवेसी हमारे पास भी रखो। ओके, बैकअप चलो चलो। आज फिर से उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है एक कार्यालय के माध्यम से, इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को क्या फायदा करेंगे यहाँ से? मैं सबसे पहले तो शोएब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और शोएब भाई की पूरी टीम, जो राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम है, उसमें हमारी मैडम स्वाति कामले जी है और आसिफ भाई है और हमारे मोहल्ले के जो सब है, साकिब भाई, लल्लू भाई और मेरे जितने भी भाई हैं दोस्तों, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रोग्राम में आए। हमारे नसीम भाई भी प्रोग्राम में आए और आज पार्टी की ऑफिस की ओपनिंग है। और दूसरी बात, शोएब भाई ने मेरे को जिम्मेदारी जो दी है, शोएब भाई ने इसके पहले भी मेरे को जिम्मेदारी दिए थे, वो देखे और मैं भी ये देखा कि जब शोएब भाई हट गए थे कांग्रेस से तो और अध्यक्ष था कांग्रेस में, वो अध्यक्ष को देखते हुए मैं ये देखा कि वो एक अकेला अध्यक्ष नहीं था, उसमें कई सारे अध्यक्ष थे और वो क्या कर रहे उनको पता नहीं रहता था। और शोएब भाई को मैंने ये देखा हूँ कि इनके अध्यक्षता में ये बरोबर हर चीज़ में नज़र रखते कि कौन इनका आदमी क्या करता है, तो वो देख के मैं राष्ट्रवादी पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। और शोएब भाई जो मेरे को जिम्मेदारी थी, इंशाल्लाह मैं पूरी तरीके से उसमें खरा उतरूँगा, इंशाल्लाह पार्टी को मजबूत करूँगा और जो भी काम रहेगा मेरे वार्ड का, मेरे एरिया का, मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, जो स्कूल है 63 नंबर और 97 नंबर, वो स्कूल को 24 घंटे का नोटिस दिया गया था इसके पहले, मैंने शोएब भाई को बोला था, उसी टाइम शोएब भाई ने कमिश्नर को जाके ये रुकाए थे कि जो स्कूल रुकी हुई है उसमें आपने भी न्यूज़ बनाया था, ठीक है ना? तो वो स्कूल जो रुकी है आज तो हमारे अध्यक्ष साहब की वजह से ही रुकी है। ऐसे दो बात बोल के अपने ख़त्म करता हूँ।